दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सौर एनर्जी को हार्नेस करते हैं, बट हम इंसानों के पास ऐसी कोई लीफ नहीं होती कि हम फोटोसिंथेसिस से एनर्जी हार्नेस कर पाएँ, बट हम इस सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकसिटी के रूप में हार्नेस कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी लीफ है? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है सोलर सेल। सोलर सेल डायरेक्टली सोलर के रेडिएशन को इलेक्ट्रिकसिटी में कन्वर्ट करता है। तो आइए जानते हैं होता कैसा है कि सोलर से जो हमें रेडिएशन मिलता है दोस्तों, वो तीन तरीके का होता है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। तो सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम विजिबल स्पेक्ट्रम को ही यूज़ करते हैं दोस्तों, विजिबल लाइट जो आपको दिखाई देती है। तो सोलर सेल में होता क्या है दोस्तों, जो रेडिएशन डायरेक्टली सोलर सेल पे गिरता है, जो कि सिलिकॉन का बना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो आइए इसको और डीप में देखते हैं कि इस वेफर में होता क्या है। तो दोस्तों, जो सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट इसकी फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करके इसे कंडक्टिव बनाया जा सकता है। तो अगर हम डेप्थ में देखें तो सिलिकॉन सेल जो होता है दोस्तों सोलर सेल का, उसको तीन लेयर में बांट देते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो टॉप लेयर में दोस्तों जो सिलिकॉन होता है उसमें हम डोपिंग करते हैं, यानी इम्प्योरिटी मिलाते हैं फॉस्फोरस की, तो जो कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर सकता है दोस्तों, जो कि नेगेटिव चार्ज है। दोस्तों, नेगेटिव चार्ज अब्जॉर्ब कर पाने की वजह से हम इस टॉप लेयर को एन टाइप नाम दे देते हैं। ओके, इसी तरीके से दोस्तों, जो आपका सिलिकॉन का वेफर होता है उसकी जो बॉटम लेयर होती है उसमें जो सिलिकॉन रहता है उसमें हम बोरॉन की डोपिंग करते हैं, यानी बोरॉन इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो होल्स में सफिशिएंट हो जाता है और पॉजिटिव आयंस को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो सिलिकॉन का वेफर रहता है हम डोपिंग कर पाते हैं। तो मिसिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा, हमने देखा कि नीचे की जो लेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज में सफिशिएंट हो पाती है और पॉजिटिव आयंस को अब्जॉर्ब कर पाती है, तो जिसे हम नाम दे देते हैं पी टाइप। तो अब दोस्तों, अब हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल तैयार हो गया है जिसमें एक एन टाइप लेयर है, एक पी टाइप लेयर है। ओके, तो ये हो गया आपका दोस्तों सिलिकॉन सेल का जो स्ट्रक्चर, जो कि आपको एक सोलर सेल में मिलता है। तो अब दोस्तों बता दूं कि इसके जो टॉप लेयर होती है एन टाइप में, उसमें हम आपकी सिल्वर के बस बार की सोल्डरिंग कर देते हैं। ओके, और बॉटम में एक आपको एल्युमिनियम लेयर मिलती है। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपके टॉप लेयर में आके लगता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वेवलेंथ होती है वो 350 से लेके 1140 नैनोमीटर की होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो आके आपके मिडिल लेयर में अब्जॉर्ब होता है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं भी बता दूं कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा जो स्पेक्ट्रम होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन, वो आराम से आपके सोलर सेल से पास हो जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। सिर्फ विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो मिडिल लेयर में अब्जॉर्ब होने के बाद आयंस को नॉक करता है, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके अपर लेयर में आ जाता है एन टाइप में। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, नॉकआउट होने के बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके अपर लेयर में आके अब्जॉर्ब हो गया, जो कि आपके सिल्वर के जो बस बार्स रहते हैं उसमें से हम इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के तरीके से जो पॉजिटिव आयंस नॉकआउट हुआ है वो आपके बिलो लेयर में चला जाता है और अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर कंटिन्यूसली रेडिएशन ऐसे सेंट्रल लेयर पे अब्जॉर्ब होता रहेगा तो हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो पाएंगे अब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर हम इसमें एक सर्किट जोड़ देते हैं एट द एंड ऑफ द बस बार, तो हमें एक कंप्लीट सर्किट मिलेगा जिससे हम इस डीसी पावर को हार्नेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो सोलर सेल है वो काम करता है। अब ये छोटा सा सोलर सेल बहुत ही फ्यू वाट्स में पावर देता है, जो कि सफिशिएंट होता है किसी कैलकुलेटर या तो मोबाइल के लिए। मगर अगर आपको बहुत कोई हैवी लोड चलाना है, जैसा टोस्टर जो कि 1000 वाट का होता है, तो आपको बहुत सारी सेल को सीरीज़ में जोड़ के एक सोलर पैनल का आकार देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको बहुत बड़ा लोड यूज़ करना है तो आपको बहुत सारे सोलर पैनल को सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ के इस एनर्जी को हार्नेस करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, कैसे सोलर सेल एक लीफ की तरह काम करता है। तो ये है हमारे सोलर सेल की वर्किंग दोस्तों। अब जैसे जैसे मार्केट में सोलर सेल में डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे आपके सोलर सेल के पावर प्रोडक्शन की दोस्तों एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ रही है इसका कॉस्ट भी नीचे गिरता चला जा रहा है दोस्तों। तो आने वाले फ्यूचर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि सोलर रात में प्रोडक्शन नहीं देता, तो हमें इसके बैटरी बैंक पे दोस्तों ध्यान देना है इसके डेवलपमेंट में। तो दोस्तों, देखा आपने, आज हमने सीखा कि सोलर सेल कैसे काम करता है।